राज्य के शिक्षा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की देखा देखी कर रही है और जन आक्रोश यात्रा निकालने का दिखावा कर रही है, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान को लेकर पैदल मार्च निकाल रहे हैं जो कि 35 किलोमीटर करीब है। राहुल गांधी की ओर से निकाला जा रहा यह पैदल मार्च देश की आज़ादी के पहले तथा बाद में पहले कभी नहीं निकला। कल्ला ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जो वायदा किसानों तथा बेरोजगारों से किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, साथ ही देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किए हैं, जबकि इसके विपरीत देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी यह पैदल मार्च निकाल रहे हैं। शिक्षा मंत्री कल्ला गुरुवार को शहर के एक निजी विद्यालय में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेने हुए तो ब्यावर पहुंचे थे। इस दौरान वे शहर के रिको आवासीय कॉलोनी स्थित उनके परिचित गिरिराज टागा के निवास पर कुछ समय के लिए रुके थे। यहां पर शहर के कांग्रेस जन उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। बातचीत के दौरान कल्ला ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कहा कि शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए कई तरह के नवाचार प्रदेश में किए गए हैं। इसी के तहत शहर में प्रदेश में 1500 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं और दिसंबर माह में प्री प्राइमरी 900 स्कूल खोले जाएंगे। ब्यावर को जिला बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही जिला बनाने की कवायद की जाएगी। शिक्षा मंत्री का स्वागत करने वालों में कांग्रेस नेता पारस पंच, सोहन मेवाड़ा, मनोज चौहान, अजय स्वामी, लघु उद्योग संघ अध्यक्ष आशीष पाल पदावत, रामनिवास सेन, राजेंद्र तुनगरिया, हनुमान चौधरी, राकेश साहू, जीवराज जावा, घनश्याम फुलवारी तथा रामलाल लखन सहित अन्य कांग्रेस जन शामिल थे। आज ब्यावर में एक स्कूल के कार्यक्रम में आया हूँ और ये लाल जी हमारे बिल्कुल छोटे भाई हैं, हमारे घर के पास ही रहते हैं तो इसके आना जरूरी था कि चाय पीने मिले आना पड़े। अब जानते हैं और यहाँ सभी लोगों से हमारे कांग्रेस के साथियों से भी मिल लिए और इसके बाद अभी इस कार्यक्रम के बाद जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी तो देखा देखी कर रही है लेकिन हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत 2200 किलोमीटर चल चुके हैं आजादी से पहले और आजादी के बाद। इतनी बड़ी पैदल मार्च मैं समझता हूं कि पहले कभी नहीं हुआ एक साथ। ये 3500 किलोमीटर का पैदल मार्च है। इसमें वे कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ गया। जिस सरकार ने ये वायदा किया था, केंद्र की सरकार के पार्टी ने, कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख रुपए अधिक के खाते में डालेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, एक भी वायदा उनका पूरा नहीं हुआ। दूसरी ओर वे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न होने चाहिए उसमें कमी है। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि देश में अनेकता में एकता भारत की विशेषता रही है। आजादी के आंदोलन में सभी जातियों ने, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सभी को जोड़ने की आवश्यकता है, सभी को एक रखने की आवश्यकता है। अनेकता में एकता के लिए यात्रा हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं बहुत राजस्थान में बहुत से नवाचार हुए हैं, इसी के कारण एजुकेशन के लर्निंग प्रोसेस में पहले 3 राज्यों में देश के राजस्थान है। दिल्ली का तो प्रचार है वो 7वें नंबर में है। हम लोग 1500 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल चुके हैं, 900 स्कूल प्री प्राइमरी के अभी दिसंबर में हम खोलने जा रहे हैं और इसके साथ साथ अभी कोविड में जो लोग पीछे रह गए थे उनके लिए ब्रिज कोर्स शुरू किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका में भी 3री से 8वीं तक की परीक्षाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नहीं होती, हमने उससे करा के भी रिकॉर्ड बनाया।